ये प्रॉब्लम ऐसी है कि इसमें निकलेगा ही नहीं, आप चाहे कितना भी टेस्ट करवा लीजिए कुछ नहीं निकलेगा। एमआरआई में निकलता है ना, सीटी स्कैन में निकलता है, कुछ भी करवा लो, चाहे कुछ चाहे ब्लड टेस्ट करवा लो, माइग्रेन आपका किसी में नहीं निकलता। तो मैम डॉक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि माइग्रेन? मैम आप अपने साइड से कोई घरेलू नुस्खा बताना चाहेंगे जो? सिर्फ पानी। टॉप 3 साइंस जो आप बताना चाहेंगे कि अगर पेशेंट के साथ ये 3 चीजों से वो सफर कर रहे हैं तो इट्स हाई टाइम कि दे शुड गेट चेक बाय द डॉक्टर एंड स्टार्ट देयर मेडिकेशन बिकॉज़ दे आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। मैम आप जो एक न्यू मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है या फिर प्रेगनेंसी का भी जो पूरा ड्यूरेशन होता है उस टाइम पे अगर माइग्रेन ट्रिगर हो गया, एज फार एज आई एम अवेयर जितने भी मेडिकेशन माइग्रेन में होते सारे पेन किलर्स ही होते हैं, तो क्या वो दवाई प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करती हुई मदर को लेना एडवाइजेबल है? Hello everyone and welcome to The Voice of Women. I am your host Diya Singh and this is the podcast where we dive into health, empowerment and the everyday challenges women face. Today's episode is a must listen as we explore a topic that affects countless women, which is migraines, hormonal health and managing anxiety. To guide us, I am honored to have Dr. Smita Goyal with us today. Dr. Goyal is a highly skilled homeopathic practitioner, BHMS, with deep expertise in women's health. She'll help us understand how factors like menstruation, pregnancy, menopause, and even societal expectations impact women's physical and mental health and share practical strategies to take control. Welcome, ma'am, and super excited for this podcast with you. Thank you, Diva ji, for this opportunity. And Excited? Yeah, sure. Right. So with this, everybody, we should quickly dive into the main video and we will actually tackle questions which I feel most of the women are not even aware about. So with this, let's get started with the video. Alright, so starting with the very first question, ma'am. Hormonal changes, menstruation ya fir menopause, ye teen cheeze kaise migraine ko trigger karti hain? First of all, dekho, ye body ke changes hote hain. Aapki menstrual cycle jaise starting hoti hai, menarche start hota hai. तो वो ये जो गर्ल्स होती हैं उनमें स्टार्ट हुआ 14-15 ईयर्स में, या आजकल तो 13 ईयर्स में भी हो रहा है, 12 ईयर्स में भी हो रहा है, तो वो स्टार्टिंग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की है तो उससे ही स्टार्ट हो जाता है। आप अब बच्चों को स्ट्रेस होता है, बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी को स्ट्रेस होता है, तो वहीं से वहाँ वहाँ पे क्या होता है कि जो आपके जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, मेन रोल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का होता है, जिसमें एस्ट्रोजन लेवल कभी इम्बैलेंस, दोनों चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स होंगे, इरिटेशन होंगी, देन आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की वजह से हेडेक होगा। हेडेक इज वन साइडेड, अदर टू साइडेड, एंड होलेट, मतलब पूरा भी आपका ले सकते हो जाता है। अब बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस हो गया, उसकी वजह से माइग्रेन धीरे 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 करके वो ट्रिगर कर दो जाता है, हेडेक से स्टार्ट होगा, देन वो माइग्रेन का रूप ले लेता है। सेकेंड, अब आप बात करते हैं प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में कुछ थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, एस्ट्रोजन लेवल उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब शार्पली बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है, तो उसकी वजह से उसमें प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, मतलब आप जो चीजें नहीं भी होती हैं वो चेंजेस आपके प्रेगनेंसी में आ जाते हैं। देन मेनोपॉजल, मेनोपॉजल इज ऑल्सो ड्रास्टिक चेंजेस इन योर लाइफ, लाइफ इन योर बॉडी, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, हॉट फ्लैशेज आएंगे, ऑब्वियसली हॉट फ्लैशेज जब आते हैं तो हमें गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो वो भी हमारा सीधे मेंटल से रिलेटेड होता है, माइंड हमारा एक सेट हो जाता है कि हाँ गर्मी लग रही है, बट आपको सडनली क्या होता है कि तुरंत ही ठंड लगने लगती है, तो वो क्या होता है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहा है, अब स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहा है, ऑब्वियसली आपका जब स्लीप डिसऑर्डर्स होगा तो आपको हेडेक स्टार्ट होगा, हेडेक स्टार्ट होगा, देन माइग्रेन, तो मतलब एंजाइटी एंड माइग्रेन तो वो आजकल होने में टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं लगता है, और आजकल मुझे लगता है 90% लेडीजों को ये चीज है ही, तो इसमें क्योंकि हम सेल्फ केयर वाली चीज भी लैक करती है ना, और तुम्हें सेल्फ केयर है, देन आजकल जो लाइफ चल रही है बहुत एडवांस लाइफ हो गई है एक्चुअली, वो उसमें आपका ना ईटिंग हैबिट्स है, ना एक्सरसाइजेस हैबिट्स है, ना पहले चीजें होती थी, बट हमारा क्या रहता था आजकल, देखो सबसे बड़ा रीजन आजकल हो गया है कि न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली है, और पहले क्या होता था, ज्वाइंट है, ज्वाइंट है, आप चार लेडीजें बैठी हैं, आपस में बात की है, बात किया, इट्स ओके, निकल गया वो, ठीक है, उसी टाइम एट ए टाइम आपके मतलब इन-लॉज ने बोला, मेन तो रीजन देखो यही होता है, लेडीजों में फैमिली इश्यूज ही उनका सबसे बड़ा माइग्रेन का और एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है,
तो वो क्या होता है कि चार लोग बैठे हैं आपस में बात की है और वो चले गए, वो चीज बात करके वो चीज हमने डिस्कस कर लिया। बट अभी क्या है, अभी किसी के पास टाइम नहीं है, हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, तो वो भी काम का स्ट्रेस भी है, फैमिली का स्ट्रेस भी है, बेबीज के स्ट्रेस भी है, प्लस ऑब्वियसली इन-लॉज इश्यूज होते ही होते हैं, तो वो सारी चीजें मिला के ना वो अपना स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर पाती है, उसकी वजह से वो माइग्रेन का इशू ले लेता है। राइट, आज के टाइम पे माइग्रेन का सबसे बड़ा इशू है माइग्रेन एंड एंजाइटी बहुत ज्यादा है। राइट मैम, आप जब एक न्यू मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है या फिर प्रेगनेंसी का भी जो पूरा ड्यूरेशन होता है, उस टाइम पे अगर माइग्रेन ट्रिगर हो गया तो जो मेडिकेशंस हमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, एज फार एज आई एम अवेयर जितने भी मेडिकेशन माइग्रेन में होते हैं सारे पेन किलर्स ही होते हैं, तो क्या वो दवाई प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए मदर को लेना एडवाइजेबल है? देखिए, मैं एलोपैथी के लिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वो एक्चुअली वो अपना एक्सपीरियंस बेस पे जो मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैं होम्योपैथ प्रैक्टिशनर हूँ, तो होम्योपैथी के सेफ, और एक्चुअली होम्योपैथ में हम पावर्स में भी होता है हमारे इसमें, बहुत लो पावर होती है प्रेगनेंसी वुमेंस के लिए या जो ओल्ड एज वुमेंस है, बच्चों के लिए, सबके लिए एक पावर डिसाइड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम देते हैं, तो उसके लिए वो सेफ रहती है, और लोअर पावर पे स्टार्ट करते हैं तो मतलब हम बहुत ज्यादा नहीं देते, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक बार दो बार थोड़ा सा, और फिर उनकी जो हैबिट्स है, कुछ खाने की हैबिट्स है, स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए आप थोड़ा सा वॉक करिए, बातें करिए, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, और थोड़ा मेडिसिन वगैरह दे करके। मैम, एलोपैथी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन क्या होम्योपैथिक करके, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट रेगुलर लेकर के हम माइग्रेन को पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं? एक्जेक्टली, कर सकते हैं। इवन पेशेंट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, माइग्रेन एंजाइटी के पेशेंट्स मेरे बहुत हैं, इवन ठीक होकर भी चले गए हैं, और मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अब ऑब्वियसली मैं भी लेडीज हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत माइग्रेन का इशू होता ही है, तो मैंने भी लिया है मेडिसिन और उससे ठीक हुआ है। राइट, मतलब होम्योपैथी से हम माइग्रेन को क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आप ठीक कर सकते हैं, पूरे जड़ से खत्म कर सकते हैं उसको। तो मैम, माइग्रेन ट्रिगर कैसे कर रहा है, ये सारी फैक्टर्स को हमने कंसिडर कर लिया, माइग्रेन को ट्रीट कैसे करना है हमने ये भी देख लिया, लेकिन औरतें हेडेक समझ के ही उन चीजों दवाई ले ली और वो चीज वहीं खत्म हो गई सोच करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज माइग्रेन में कन्वर्ट हो जा रही है। तो अर्ली साइंस क्या है, हमें कैसे पता चल रहा है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सर दर्द है वो सिर्फ सर दर्द नहीं है, वो धीरे धीरे माइग्रेन में कन्वर्ट हो रहा है? अब आपको सर दर्द हुआ, आपने थोड़ा नींद नहीं हुई आपकी, हैवीनेस फील हुई, और फिर आप जाकर के थोड़ी देर रेस्ट कर लिए, हेडेक ठीक हो गया, इट्स अ नॉर्मल हेडेक। माइग्रेन का एक पैटर्न होता है, वो आपका 36-72 आवर्स वो चलता है, उसके साथ आपको ट्रिगर कैसे होता है। अब किसी को, सपोज आप, मुझे माइग्रेन है, मैंने क्या किया, आज फास्टिंग है मेरा, मैंने फास्ट रखा, और मुझे थोड़ी सी एसिडिटी प्रॉब्लम हुई, ऑब्वियस सी बात है, एम्प्टी स्टमक है, थोड़ा एसिडिटी प्रॉब्लम हुआ, आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट साइड से हल्का हल्का स्टार्ट होगा, फिर वो जैसे 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 आपका डेज इंक्रीज होगा वैसे वो बढ़ता चला जाएगा, फिर सेकेंड डे और बढ़ेगा, थर्ड डे और बढ़ेगा, फिर उसके बाद वो अपने आप सबसाइड हो जाता है। आपने उस समय क्या किया, बहुत ज्यादा हो गया, ऑब्वियसली ज्यादा हो जाता है, क्योंकि माइग्रेन का हेडेक बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेज होता है, और मतलब ऐसा लगता है कोई बहुत, मतलब अलग अलग तरीके से सर पे हथौड़े मार रहा है, कोई ऐसे ऐसे करके, मतलब पत्थर मार रहा है, कोई ऐसे दबा रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, और आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा सा, ब्लैकआउट हो जाता है, और ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं अब गिरने वाली हूँ, ऐसी चीजें आती है। अब फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग सा भी होने लगेगा, वॉमिटिंग सेंसेशन होते हैं, या वॉमिटिंग फील भी होता है, हो भी जाती है, किसी को वॉमिटिंग से बेटर होता है, किसी को वो चीज और एग्रावेट हो जाती है। तो फर्स्ट ये ट्रिगर होता है कि जैसे आपने एम्प्टी स्टमक है, तो आपको थोड़ा बहुत क्या होगा कि हेडेक फील होने लगेगा, तो मतलब आप समझ जाओ कि थोड़ा सा आपको
माइग्रेन का स्टार्ट हो रहा है और जैसे नॉर्मल हेडेक है तो नॉर्मल हेडेक जैसे आप धूप में गए थोड़ा बहुत हो गया, इवन माइग्रेन भी ट्रिगर करता है सन एक्सपोजर से, आपको ज्यादा ठंड हो गई तो भी आपको थोड़ा सा माइग्रेन इशू हो जाते हैं तो, लेकिन अगर हल्का फुल्का हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, आपने बहुत काम कर लिया, लेट नाइट तक आप जाग रहे हो, तो वो अगर हेडेक है तो वो नॉर्मल है, बाकी अगर माइग्रेन का तो एक पैटर्न होता ही है। तो मैम कैसे आइडेंटिफाई करना है, मतलब माइग्रेन का मैंने से सुन रखा है कि कुछ स्पेसिफिक जगह पे दर्द होना। हाँ, मैंने बताया ना कि जैसे उसका एक पैटर्न होता है और एक पार्ट होता है, जैसे आपको एक साइड हो रहा है दैट्स माइग्रेन, धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ, धीरे धीरे जैसे आपको अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होगा, धीरे 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 यहाँ नीचे आएगा। सपोज कभी कभी नीचे से स्टार्ट होता है, वो नहीं समझ पाता, उसको लगता है, उनको पेशेंट को लगता है ये किसी सर्वाइकल का पेन है या फिर तकिए पे टेढ़े होने के वजह से। हाँ, कभी पोस्चर अगर हमारा गलत हो गया उसकी वजह से हो रहा है, या कुछ कुछ ऐसे कुछ ज्यादा हमने ऐसे गर्दन घुमा ली या कुछ मतलब झटके लग गए उसकी वजह से हो रहा है, तो कभी कभी नीचे से भी स्टार्ट होता है। और एक पैटर्न वही बताया कि या राइट साइड या लेफ्ट साइड या सेंटर ऑफ द हेड या बैक ऑफ द हेड, ये पार्ट होते हैं कि एक जगह आपको वो लेकर के वहीं पे स्टक हो जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अगर बढ़ना है तो होगा, अदरवाइज फिर वहीं पे रहता। तो मैम घरेलू नुस्खे भी बहुत ज्यादा होते हैं माइग्रेन, बहुत सारे कोई कहता है जलेबी और रबड़ी खा लो सुबह सुबह, जलेबी रबड़ी खा लो, कोई सच में होता है इससे ठीक होता है? देखो मुझे आइडिया नहीं है सीरियसली, मुझे भी नहीं पता है इन सब, मुझे मेरे घर में भी पहले जैसे किसी हाफ है जैसे आधा सर बोलते हैं कि आधा सर में दर्द हो रहा है, आप जाओ वो काली मिर्च और घी को बना के और शुगर लेकर के उसको खाओ तो उससे भी आराम मिलता है। अब मुझे नहीं आइडिया कि क्या है क्या नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इन सब चीजों का, माइग्रेन के लिए तो स्पेशली नहीं है। बस हाँ, एक चीज का आइडिया है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा धीरे धीरे पानी का इंटेक आप थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि हेडेक जनरली तभी होता है जब हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। अब आप उसी से सोच लो, अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है, ना खाना ना पानी, खाने से ज्यादा आपकी बॉडी को पानी की जरूरत होती है, पानी अगर नहीं गया है बॉडी में तो वो आपका धीरे धीरे हेडेक स्टार्ट हो जाता है। आपका आपको डेली रूटीन में भी अगर पानी का इंटेक अच्छा है तो वो धीरे धीरे चीजों को मैनेज कर लेता है और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होती है कि ठीक हो जाती है उसमें। तो पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए, माइग्रेन नॉर्मल भी अब और उस टाइम पे तो खैर ऑब्वियस ही बात है कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे तो ऑब्वियस ही बात है किसी को समझ में नहीं आता है क्या करना। हाँ, पानी भी पीने की इच्छा नहीं होती है, लगता है पानी पियेंगे तो वॉमिटिंग सा हो जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा कोशिश करनी चाहिए उसको। राइट मैम, आप अपने साइड से कोई घरेलू नुस्खा बताना चाहेंगे जो सिर्फ पानी पानी के अलावा और कोई घरेलू नुस्खा नहीं पता मुझे, बट हाँ ये है कि थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए, बाकी उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, थोड़ा सा रिलैक्स करके थोड़े से अपने माइंड को, देखो एक चीज मैंने बहुत अच्छा मतलब अपने ऊपर भी ये चीजें करी हैं कि जब भी हेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो थोड़ा सा ना अपने आप को अध्यात्म की तरफ लेके जाना चाहिए, वो चीज करने से आपकी जो एक्चुअली जो पीस ऑफ माइंड है वो धीरे धीरे होने लगती है। तो उससे हर चीज का मेन कॉजिंग मेन कॉज होता है कि आपका जो स्ट्रेस और स्ट्रेस हमारा उसी से जाता है, और कोई आप कुछ भी कर डालो नहीं जाएगा सिवाय उसके। तो मैम जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए तो वो प्रोसेस क्या होता है, कैसे, कोई टेस्ट वगैरह होता है? ब्लड टेस्ट तो हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते क्योंकि हम माइग्रेन ऑब्वियसली ना ये माइग्रेन MRI में निकलता है ना सीटी स्कैन में निकलता है, कुछ भी करवा लो चाहे कुछ चाहे ब्लड टेस्ट करवा लो, माइग्रेन आपका किसी में नहीं निकलता। तो मैम डॉक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि माइग्रेन से सिम्टम्स? देखो हम तो सिम्टम्स पे ही करते हैं, हम होम्योपैथिक्स में होम्योपैथ्स हमेशा सिम्टम्स पे ही जाते हैं। आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, वन साइडेड हेडेक है, हेडेक का सेंसेशन क्या हो रहा है, करेक्टर क्या है, कौन से पार्ट में हो रहा है, कैसे आपको रिलीफ होता है, क्या आप करते हो उस टाइम पर, तो हम तो सिम्टम्स पे ही जाते हैं और सिम्टम्स पे ही जाके ही हमें वो कंक्लूजन मिलता है कि माइग्रेन, और माइग्रेन का कोई टेस्ट नहीं है, कोई भी टेस्ट नहीं है। आज से नहीं, मैं जब अपने कानपुर में भी प्रैक्टिस करती थी, मेरा फर्स्ट केस था मुझे याद है,
तभी मैंने एक ट्रीट किया था वहाँ, उसने उन्होंने साल मतलब 4-5 साल से थे वो कर रहे थे, उन्होंने दिखाया कि मतलब मैंने सारे टेस्ट करा लिए और कहीं नहीं है। मैंने कहा ये प्रॉब्लम ऐसी है कि इसमें निकलेगा ही नहीं, आप चाहे कितना भी टेस्ट करवा लीजिए कुछ नहीं निकलेगा। मैम मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज टॉप 3 साइंस जो आप बताना चाहेंगी कि अगर पेशेंट के साथ ये 3 चीजों से वो सफर कर रहे हैं तो इट्स हाई टाइम कि दे शुड गेट चेक बाय द डॉक्टर एंड स्टार्ट देयर मेडिकेशन बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। फर्स्ट स्टार्ट हेडेक आपका वन साइडेड स्टार्ट हो, राइट साइड या लेफ्ट साइड या एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन। एंड सेकेंड इज आपको आंखों के सामने ब्लैकआउट होने लगे हैं। दूसरा थर्ड इज वॉमिटिंग सेंसेशन, नोशिया फीलिंग होने लग जाए। और भी पॉइंट्स हैं एक्चुअली कि जैसे किसी को लाइट से प्रॉब्लम हो जाती है, नॉइज से प्रॉब्लम है, तो ये इनके मेन पॉइंट्स होते हैं। माइग्रेन के हेडेक को माइग्रेन का जिनको हेडेक होगा उनको नॉइज, लाइट एंड बहुत ज़्यादा बात करना ये सब चीज़ें पसंद है। Alright, everybody, so that brings us to the end of this video. हमने माइग्रेन के सारे फैक्टर्स को कवर करने की पूरी कोशिश की और अगर आपके कुछ क्वेरीज या फिर डाउट्स है तो आप कमेंट में वो जरूर कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो। और मैम का 15 plus years of experience है, तो अगर आप मैम से इन पर्सन मिलना चाहते हो तो आप मैम के क्लिनिक का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन एंड एवरी डिटेल विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। बाय।